पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी तीन संतानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो उनकी संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने पर विचार कर रहा है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में शुक्रवार को बताया गया कि एनएबी लाहौर ने इस्लामाबाद में अपने मुख्यालय में शरीफ परिवार के खिलाफ चार मामलों को आगे भेजा है और शरीफ तथा उनके संतानों के खिलाफ कदम उठाए जाने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था और पनामा पेपर्स मामले के सिलसिले में उनके और उनके संतानों के खिलाफ 6 सप्ताह के भीतर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने का आदेश दिया था। एनएबी के प्रमुख कमर जमान चौधरी ने 29 अगस्त को कहा था कि शीर्ष अदालत का निर्णय पूरी भावना के साथ लागू किया जाएगा। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्णयों पर ब्यूरो के क्षेत्रीय बोर्ड की सहमति के बाद शरीफ और उनके संतानों के खिलाफ मामलों को इस्लामाबाद कार्यालय भेजा गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ऐसी उम्मीद है कि एनएबी शरीफ परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्द ही अपनी सहमति देगी। टीम इंडिलिंक्स।